हिंदी विषय आज जो हम कविता लेने वाले हैं उसका नाम है किताबें। उसके जो रचनाकार है, रचनाकार का नाम है गुलजार। अभी हम थोड़ा सा उनके बारे में परिचय देखेंगे। परिचय देखो, जन्म उनका 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ। उनका परिचय देखो, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार हैं। उन्होंने जो कृतियां की है, उनकी प्रमुख कृतियां देखो, चौरस रात, ये लघु कथाएं हैं। उसके बाद रावी पार कथा संग्रह है, रात चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज। अभी ये जो पूरी कविता है उसके बारे में देखो, नई कविता आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों को और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पे कवि ने हमें क्या बताने की कोशिश की है कि ये जो किताबें हैं, वो किताबें मनुष्य से कैसी दूर चली जाती है। अभी ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि आज का जो युग है वो कैसा है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, इसीलिए किताबें जो है वो अभी पीछे पड़ चुकी है या पीछे छूट गई है। इसीलिए किताबों के बारे में थोड़ा सा हमें यहाँ वर्णन किया है, या उनको कैसी तकलीफ होती है, वो मनुष्य को क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में किताबें इस कविता के माध्यम से, इस जरिए से हमें कवि ने बताने की कोशिश की है। अभी ये जो किताबें होती हैं, जो ग्रंथ होते हैं, देखो जब से लेखन कला का विकास हुआ है, आविष्कार हुआ है, उससे हमें अनेक फायदे मिल चुके हैं। जैसे कि ग्रंथों से हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, ग्रंथ पढ़कर ही हमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, उस शब्द का अर्थ भी हमें ग्रंथों के माध्यम से ही मिल जाते हैं। ग्रंथ हमारे या पुस्तक हमारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो मौन रहकर भी हमसे बातें करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कभी कभार ग्रंथों से अच्छा अच्छा पढ़कर उनका मार्गदर्शन लेते हैं। ग्रंथ या पुस्तक हमें क्या करते हैं, अच्छा मार्ग दिखाते हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, या ये जो ग्रंथ है वो हमें अज्ञात से ज्ञान की ओर ले चले पड़े हैं। मतलब जो हमारे ऊपर जो अंधविश्वास का पगड़ा था उसको किसने दूर किया है, इन ग्रंथों ने भी दूर करने की कोशिश की है। इसी ग्रंथों में, इसी किताबों में जो हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसी बातें कही है, मौखिक बातें, वो लोगों को याद रहे, स्मरण रहे, इसीलिए ग्रंथों की सहायता से हमें सब कुछ मालूम पड़ता है। मतलब ये जो उन्होंने की हुई बातें, बोली हुई बातें, उसका हमें विस्मृत नहीं हुआ है, मतलब हम वो बातें भूल नहीं पाते या भूल नहीं सकते। क्योंकि जब ऐसी बातें होती है, जैसे कि देखो हर एक दवाइयां होती है, उन दवाइयों का उल्लेख भी हमें ग्रंथों से या पुस्तक के जरिए से पता चलता है। ठीक उसी तरह से इन ग्रंथों की वजह से क्या होता है, हमारा जो ज्ञान पक्ष है वो खुल जाता है, अनेक ऐसे नए नए शब्द भी हमें मालूम पड़ते हैं जिसका इस्तेमाल हम अपने व्यवहारिक मतलब दैनंदिन जीवन में भी कर सकते हैं। किसी से कैसे बातें करना चाहिए, या कुछ बात कहने से पहले 10 बार हमें सोचना चाहिए, इसका ख्याल भी हम रख सकते हैं। क्योंकि इसका जो मार्गदर्शन है वो कौन करता है, किताबें करती है, ग्रंथ करते हैं।
और तो और ग्रंथों से हमें यह भी पता चलता है जो महान मतलब जो हस्तियां होके गई है, जैसे कि जो महान पुरुष है, नेता है या साधु संत है, उनके बारे में हमें ग्रंथों से ही पता चलता है। उनका जीवन कैसा था, उनकी नीति नियम कैसे थे, उनका आचरण कैसा था, ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है? ग्रंथ और किताबों के माध्यम से। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे देखो जो नेता है हमारे है महाराष्ट्र के या भारत के, उनको हमने कभी देखा नहीं है, ठीक है। अभी उनका जो जन्म था, उसके जन्म के बाद जो उनका उन्होंने कार्य किया है, उन कार्यों को सब मुझे कार्यों को लेकर हम ग्रंथ पढ़ते हैं या किताबें पढ़ते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि उनका हर एक व्यक्ति का, हर एक नेताओं का, हर एक समाज सेवकों का ऐसा ऐसा कार्य रहा है, उनकी वजह से हम आज यहाँ पे ऐसे आराम से जिंदगी बिता रहे हैं। ये किसकी वजह से, हम किताबें पढ़ पढ़ के हमें ये सब कुछ मालूम हुआ है। इसीलिए हमें ये किताबें क्या करती है, एक ज्ञान का प्रकाश डालती है। मतलब बहुत सारे ऐसे कठिन शब्द होते हैं जो हमें किताबों के जरिए उनका अर्थ मालूम पड़ता है, या किसी के बारे में पता करना हो, नेताओं के बारे में पता करना हो, या साधु संतों के बारे में पता करना हो, वो हमें किससे मालूम पड़ता है? ग्रंथों से मालूम पड़ता है। इसीलिए ग्रंथ हमारे क्या होते हैं, गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, ठीक है। पर अभी ये जो कवि है गुलजार, वो क्या कहते हैं कि ये जो किताबें हैं, अभी आधुनिक काल जो है, समय जो है, उन समय में ये किताबें भी पीछे छूट रही है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं, छोटों से लेकर बड़ों तक, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, क्या होता है, हर एक के हाथ में मोबाइल आया है, हर एक के घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है। इसीलिए जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, ज्यादातर समय अपना उन चीजों में बिता लेते हैं। इसीलिए जो जो कुछ किताबों से हमें ज्ञान प्राप्ति होती थी, या जो रिश्ते बनते थे, वो भी अभी क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, या हमें ऐसे दिखाई नहीं देते कि अगर हम समझो ऐसे ही चलते चलते जाते हैं, तब ऐसा हमें नजरिया देखने को मिलता है कि कोई पढ़ रहा है, ऐसी बातें वो पुराने जमाने में होती थी। अब के जमाने में हमें क्या नजर आता है, मोबाइल हाथ में लिए कोई खड़ा है, कोई बैठ गया है, या कोई पैदल चल रहा है, ऐसा मोबाइल का अभी उपयोग हो रहा है। इसीलिए कभी कहते हैं कि ये जो किताबें हैं वो अभी हमारे पीछे छूट रही है या पीछे पड़ रही है। इसका वर्णन करने के लिए ये जो कविता है, किताबें, किताबों के माध्यम से हमें ये बताने की कोशिश की है। अभी हम कविता पढ़ेंगे। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, आगे भी कुछ वो डॉट डॉट हमें दिखाई देता है ना, कहना चाहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें जब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, वह सारे उगड़े उगड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टोंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, जुबा पर जो जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगलियां क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तहक तक खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती रहता था कट गया है, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर नींद सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जमी से, वो सारा एक तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर
फूल और मरते हुए के किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे। ये जो पूरी कविता है, उन कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है, किताबें क्या करती है, लोगों का इंतजार करती है। देखो कैसे इंतजार करती है, किताबें जागती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से, हसरत मतलब इच्छा, हसरत हसरत मतलब इच्छा, तपती, तपना मतलब देखना, तपना मतलब देखना। यहाँ पे किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तपती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में, सोहबत संगत, सोहबत सोहबत मतलब संगत, सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर, ये इस कविता के माध्यम से गुलजार साहब हमें बताते हैं कि ये जो किताबें हैं वो अब बंद अलमारी के पीछे हमें दिखाई देनी पड़ती है। महीनों महीने या साल दो साल ये जो किताबें हैं वो क्या होती है, अलमारी में बंद पड़ी रहती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आज का जो युग है वो कैसा है, कंप्यूटर का युग है, मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, ज्यादातर लोग अपना समय इसी चीजों पर बिताने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये जो किताबें होती है वो महीनों महीने क्या होते हैं, अलमारी के अंदर पड़े पड़े रह जाते हैं। तब ये जो किताबें हैं वो किताबें क्या करती है, कभी क्या कहने की कोशिश करते हैं कि किताबें उन अलमारी के शीशों से ताकती रहती है, मतलब देखती रहती है कि कोई आए, मुझे उठाए, मुझे बाहर निकाल कर पढ़ सके और मेरा मार्गदर्शन ले सके, मुझे पढ़कर मुझे जान सके। ऐसी इच्छा किसको है, किताबों को है। इसीलिए कवि कहते हैं कि क्या करते हैं, वे हसरत से तपती है, मतलब इच्छा से वो अपना मतलब किसी को देखने की कोशिश करते हैं, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। क्या होता है, जबकि मतलब पहले के जमाने से लोग क्या करते हैं, करते थे कि ज्यादातर अपना जो समय होता है वो समय अक्सर किताबों में ही मतलब किताबें पढ़ पढ़ कर अपना समय बिता लेते थे, लेकिन वो अभी हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ज्यादातर लोग अब मोबाइल में, मोबाइल के अंदर घुसे रहते हैं, इसीलिए ये जो किताबें हैं उनको अभी कोई पूछता नहीं है। उसके अंदर जो बहुत सारा ऐसा ज्ञान है जो हमारे ज्ञान पक्षुओं को खोल देता है, वो किताबें किसी के हाथ में अभी नजर नहीं आती। इसीलिए कवि कहते हैं कि ये जो किताबें हैं वो हमेशा अलमारी के शीशों से ताक झांक करती है ताकि कोई आकर उनको उठाकर पढ़ सके। आगे देखो क्या कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे, कदरे मतलब मायने या मूल्य, कदरे जो कदरे, कदरे मतलब मूल्य या मायने, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके से कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती। यहाँ पे गुलजार जी ने कहा है अभी का जो समय है वो समय ज्यादातर कंप्यूटर के सामने ही लोग बिताया करते हैं, इसीलिए ये किताबें ये कैसी होती है, बेचैन रहती है, उन्हें कोई देखता नहीं है, उन्हें कोई पढ़ता नहीं है। आगे भी कहते हैं उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कतरे वो सुनाती थी। क्या होता था कि जो कुछ अनुभव होता था
वो अनुभव हमें किताबों के जरिए से पता चलता था। अभी एक विशेषता भी है इस किताब की, जो कि कंप्यूटर होते हैं या आपके लैपटॉप होते हैं उनके सेल खत्म हो जाने के बाद वो बंद पड़ जाते हैं, लेकिन किताबों का ऐसा नहीं होता। किताबें जो होती है वो उनका जो सेल होता है वो कभी खत्म नहीं होता। किताबें क्या करती है, अनंत काल हमारे साथ रहती है, हमें ज्ञान देती है, हमें ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, सही मार्ग दिखाती है। जो रिश्ते होते थे, मतलब रिश्तों के जो मायने होते थे, जो मूल्य होते थे, जो नियम होते थे, वो हमें किताबों से ही पता चलता था। लेकिन हर एक के हाथ में मोबाइल है, सामने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसीलिए अक्सर हमें ये किताबें क्या करती है, पीछे छूट गई है। ठीक है, अभी इसका जो आगे का जो भाग है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।